मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एलईसी एग्जाम 9 सितंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन राजस्थान जीके से लेकर आएंगे, तो ये उस सीरीज का पार्ट वन है। इसके कुल 5 पार्ट अपलोड होंगे, तो आइए देखते हैं आज का पार्ट वन का पहला क्वेश्चन। मानस जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राकेश पाटीदार। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। गोडवाड़ा प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भूभाग भू आकृति विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र का। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए। ताल छापर अभयारण्य में कृष्ण मृग अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादित जिला है? अजमेर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है? बीकानेर। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? भरतपुर जिले में। राठी नस्ल किस पशु की है? गाय की। कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? कृषि विपणन बोर्ड। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में चल रहा है? भरतपुर और अलवर जिलों में। किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? खातोली के युद्ध में। कौन सा भीलों का लोकप्रिय नृत्य है? गौरी नृत्य। अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे। आई कौन सा त्योहार होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार, जिसे गणगौर के नाम से भी जानते हैं। किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? अलवर जिले में। कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? टोंक जिला। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ? गोगुंदा में। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाड़मेर। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1978 में। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि कितनी रखी गई थी? 8% वृद्धि दर। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। पुस्तक रणखोर के लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। राज्य में निर्वाचित 10 सदस्यों में से कितने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है? 10 सदस्य। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश राउत। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? बारा जिले में। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।